हेलो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर ये टॉपिक नहीं सीखा मतलब कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं सीखा, वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या रहेगा? अधूरा। इसके बिना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या रहेगा बोलो? अधूरा। मतलब अगर ये नहीं सीखा तो आगे का एक भी चैप्टर, एक भी लेसन, एक भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट्स का बेस, अकाउंट्स का रूट, अकाउंट्स का आधार कौन है बोलो? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स, अकाउंट्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चलिए ठीक है, देखिए हमारा जो अकाउंट्स है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के पर्पस से पहले तो सिर्फ टू टाइप्स में डिवाइड है बस। पहला पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। सिर्फ क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए अकाउंट्स सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर मैं मेन अकाउंट्स की बात करूं, मुख्य अकाउंट्स की बात करूं, तो मेरा जो अकाउंट्स है वो मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर वन पर्सनल अकाउंट, नंबर टू रियल अकाउंट्स, नंबर थ्री नॉमिनल अकाउंट्स। तो आपको मेन अकाउंट्स पे फोकस करना है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट्स, तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। ये जो इम्पर्सनल है ना, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन विभाजन पर्पस के लिए है बस। तो आपको मेन फोकस करना है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो आइए एक एक करके हर एक अकाउंट्स के बारे में एकदम डिटेल में सीखते हैं कि व्हाट इज अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। नंबर वन पर्सनल अकाउंट। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है ये आगे चलकर थ्री पार्ट्स में क्या हो रहा है बोलो? सब डिवाइड हो रहा है। मतलब कि इसके अंदर हम जो कुछ भी सीखेंगे वो सब कुछ किसके बारे में ही सीखेंगे? पर्सनल अकाउंट्स के बारे में ही सीखेंगे। नंबर वन मतलब कि पर्सनल अकाउंट का सब डिवीजन, नंबर वन नेचुरल अकाउंट, नंबर टू आर्टिफिशियल अकाउंट, नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट्स मतलब कि वो सारे अकाउंट्स जो ह्यूमन बींग्स, मनुष्य मानव से रिलेटेड हो, वो अकाउंट्स जो अपने अंदर किनको किनको रिकॉर्ड करते हैं? ऑल ह्यूमन बींग्स, पर्सन पर्सन, हम और आप। वो सारे अकाउंट्स किसके अंडर में आते बोलो? पर्सनल अकाउंट्स के अंडर में आते हैं। या फिर वो सारी चीजें जो ह्यूमन बींग्स की तरह काम करती हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब के सब ये लोग भी ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ, या फिर ग्रुप ऑफ द पर्सन, ये सारी चीजों को गेट टुगेदर करके प्लस करके क्या बन जाता है बोलो? पर्सनल अकाउंट। सो आइए डिटेल में सीखते हैं एक एक करके पर्सनल अकाउंट का सब डिवीजन। नंबर वन नेचुरल अकाउंट्स, नंबर वन नेचुरल अकाउंट्स मतलब कि इसके अंदर क्या आएगा पता है? ऑल ह्यूमन बींग्स के अकाउंट, ऑल ह्यूमन बींग्स के अकाउंट, पर्सन्स के अकाउंट, आपके और हमारे अकाउंट्स किसके अंडर में आएंगे बोलो? नेचुरल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। मतलब कि यहां पे जो भी अकाउंट्स होंगे वो सबके सब नेचर की देन होंगे, प्रकृति की देन होंगे, विचार क्रिएटेड बाय नेचर, विचार क्रिएटेड बाय गॉड। हम और आप किसकी देन है? नेचर गॉड की देन है। तो इसीलिए हम और आप किसके अंडर में आएंगे? अंडर द नेचुरल अकाउंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, सीता अकाउंट, रवि अकाउंट्स, सीतास अकाउंट, राम्स अकाउंट, ओके, राम्स अकाउंट, सीतास अकाउंट और रवीज अकाउंट। सो नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये कहां पे आएंगे? अंडर द नेचुरल अकाउंट्स। सो अंडरस्टूड व्हाट इज नेचुरल अकाउंट्स माय डियर? ओके, नेक्स्ट अब हम सीखते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट्स मतलब कि इसके अंदर वो सारे अकाउंट्स आएंगे जो
अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। क्लियर हुआ? जिनको जिनको हमने तो बनाया है, बट वहां पे जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वहां पे जो रेगुलेशंस लग रहे हैं, वो सब किसके? बोलो, गवर्नमेंट्स के। तो इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ मतलब कि कानून की नजर में ये भी एक पर्सन की तरह होते हैं, ये भी एक पर्सन की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? और यहां पे मैं जो भी एग्जांपल्स दूंगा वो सारे एग्जांपल्स आप जानते हो। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स अकाउंट, स्कूल अकाउंट, क्लब्स अकाउंट, एनी म्युनिसिपल अथॉरिटीज अकाउंट, एनी शॉप्स अकाउंट, या फिर एनी कंपनीज अकाउंट या फिर एनी बैंक्स अकाउंट। तो हॉस्पिटल्स अकाउंट, स्कूल अकाउंट, क्लब्स अकाउंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज अकाउंट, शॉप्स अकाउंट और कंपनी अकाउंट्स, या भी कोई भी जनरल स्टोर, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, ये सबके सब किसके अंडर में आएंगे? अंडर द आर्टिफिशियल। क्योंकि ये सबके सब क्या होते? मैनमेड होते, इनको हम लोगों ने बनाया है। बस होता क्या, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये एज पर द लॉ, एज पर द प्रोविजन चलते हैं। सो इन द आई ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि क्या? जो भाई एज पर द गवर्नमेंट के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसे धंधे, ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको गवर्नमेंट से परमिशन, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस लेना पड़ता है। क्लियर हुआ? सो इन द आई ऑफ लॉ ध्यान देना, वो नेचुरल अकाउंट्स और आर्टिफिशियली दोनों अलग होते, सेपरेट एंटिटी। क्लियर हुआ? ये नेचुरल, ये ह्यूमन बींग्स होते हैं और ये भी ह्यूमन बींग्स की तरह काम करते, लेकिन इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। किसका? बोलो, आर्टिफिशियल्स का। सो अंडर द आर्टिफिशियल आप समझ गए, ये सब आएगा, और अंडर द नेचुरल ये सब आएगा। सो नेचुरल के अंदर नेम ऑफ द पर्सन, हमारा आपका नाम, राम श्याम सीता गीता रहीम, महात्मा गांधी, मोदीज अकाउंट, योगीज अकाउंट, सब जिनको जान होती है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सब अंडर द नेचुरल अकाउंट्स आ जाएंगे। आर्टिफिशियल मतलब क्लियर हुआ, वो सारे बिजनेस के नाम, वो सारे धंधे के नाम, स्कूल के नेम, हॉस्पिटल्स के नेम, कॉलेज के नेम, इंस्टीट्यूट्स के नेम, क्लब्स के नेम, कंपनीज के नेम, वो सब के सब अंडर द आर्टिफिशियल आ जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला सब डिविजन ऑफ पर्सनल अकाउंट, अगला क्या है? बोलो, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? अरे रिप्रेजेंट करना मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना मतलब कि भैया मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज अगर वो बंदा वहां पे एब्सेंट है, तो उसके बदले में मैं आ गया कि भाई मैं उसका क्या हूं? बोलो, रिप्रेजेंटेटिव हूं। क्लियर हुआ? तो किसी की जगह पे क्या करना? बोलो, बताना कि भाई ये चीज एब्सेंट, इसकी जगह पे मैं आ गया हूं, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी को रिप्रेजेंट करना। ओके, सो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। जैसे कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, देखिए जरा, मैंने यहां पे एग्जांपल लिया एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने यहां एग्जांपल लिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बिजनेस के अंदर, धंधे के अंदर तो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? मतलब कि एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है, बट उसका मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है? कि मैंने अभी तक सर्विस ली नहीं, बट मैंने उसका पेमेंट, उसका पैसा मैंने एडवांस में पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऐसे बिजनेस के अंदर बहुत सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट बिल का पेमेंट करना बाकी है, वाटर बिल का पेमेंट करना बाकी है, एम्प्लॉयज का सैलरी देना बाकी है, वेजेस पे करना बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस क्या बोलो, आउटस्टैंडिंग है। तो अब मैं सबका नाम तो लिखते नहीं बैठूंगा ना, तो वो सबको गेट टुगेदर करके उनका एक अलग से अकाउंट्स बना दूंगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि एक अलग से अकाउंट्स बना दूंगा, उस अकाउंट्स के अंदर जो जो एक्सपेंसेस का मुझे पेमेंट करना बाकी रहेगा, वो सब का जो लिस्ट, सबका जो अकाउंट, जो भी हिसाब किताब है, वो एक अंडर द एक वन हेडिंग बना दूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उस हेडिंग के अंडर में वो सब एक्सपेंसेस का नाम लिख दूंगा, मतलब कि जितने भी एक्सपेंसेस पे करने बाकी थे, वो सबको कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
वैसे ही बिजनेस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों का पेमेंट एडवांस में कर देते हैं, तो वो कितने सारे चीज़ों को हम एडवांस पेमेंट करते हैं, तो सबका नाम लिखते नहीं बैठेंगे, सबका अलग से अकाउंट्स बनाते नहीं बैठेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, एक अकाउंट्स बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके अंडर में जितने भी हम लोग आइटम्स का पेमेंट एडवांस में किए रहेंगे वो सबको उस प्रीपेड एक्सपेंस के अकाउंट्स के अंदर में लिख देंगे। तो वो सब एक्सपेंसेस को मैंने किस नाम से रिप्रेजेंट किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से मैंने क्या किया बोलो माय डियर, रिप्रेजेंट किया। ओके, सो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ द पर्सन, ग्रुप ऑफ द एक्सपेंस, ग्रुप ऑफ द इनकम्स जो हमने एडवांस में रिसीव किया, एडवांस में दिया, देना बाकी है, लेना बाकी है, वो सबको हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नाम से रिप्रेजेंट किया। ओके, और एग्जाम्पल लेता देखो जरा मैं, सपोज मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट्स, बिजनेस का जो मालिक है ओनर वो अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखता है, क्लियर हुआ। वो बिजनेस के लिए कुछ भी करता है, सपोज फॉर एग्जांपल ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया के थ्रू, मालिक के थ्रू बिजनेस के अंदर जो भी पैसा जो भी मनी लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम लोग कॉमर्स के लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं। तो अब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे तो ओनर ने मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस के बुक में मालिक का नाम तो हम लिखते नहीं है, ये तो अकाउंट्स का रूल, अकाउंट्स का प्रिंसिपल है कि भाई बिजनेस के बुक में मालिक का नाम नहीं लिखते हैं। तो मालिक ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा बिजनेस के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, मालिक ने दिया लेकिन मालिक का नाम लिखते नहीं है, तो हम लोग उस मालिक के नाम को कौन से अनदर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयरफॉर कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। वैसे ही ड्रॉइंग्स भी हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है कि ओनर ने, मालिक ने, प्रोप्राइटर ने या फिर पार्टनर लोगों ने अपने बिजनेस में से, अपने धंधे में से गुड्स बाहर निकाला, मनी निकाला, पैसा निकाला, गुड्स निकाला या फिर कोई सर्विस ली फॉर हिज पर्सनल यूज, खुद के पर्सनल यूज के लिए। तो अब वो खुद अपना नाम तो अपने बुक्स में नहीं लिखेंगे ना, तो अपने नेम के प्लेस पे वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉइंग्स। तो उनके नाम को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉइंग्स, क्लियर हुआ। सो कैपिटल अकाउंट्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। वैसे लोन अकाउंट्स होते हैं, लोन अकाउंट्स। अब लोन मतलब क्या होता है कि यहां वहां से हमने पैसा ले लिया, हम यूज कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में रिटर्न करेंगे, मनी हमने यहां वहां से लिया, रेस किया, फंड रेस किया यहां वहां से, उसको बोलते हैं लोन। बैंक से लोन ले लिया, किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। तो अब हम बहुत जगह से लोन लेते हैं, तो हर एक का अलग अलग से नाम तो अलग अलग से सबका तो अकाउंट्स बनाएंगे नहीं, सबको गेट टुगेदर करके क्या करेंगे, एक लोन अकाउंट्स बनाएंगे, उसी के अंदर, उसी के अंडर में वो सबको टोटल मार के सब लिख देंगे पूरा उसके अंडर में। तो सारे अलग अलग लोन्स को गेट टुगेदर करके मैंने क्या किया, एक नए एक 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 अनदर वर्ड से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, लोन अकाउंट, तो लोन हो गया। उसी तरीके से मेरा एक डेटर्स अकाउंट होगा, यहाँ देखिए जगह नहीं है नीचे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, डेटर्स अकाउंट होगा, डेटर्स अकाउंट्स। उसी तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट होगा, ये सब भी क्या बोलो, रिप्रेजेंटेटिव है। अभी डेटर्स अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव क्यों है, क्योंकि देखिए बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने गुड्स सेल किया है ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे, तो जिनको जिनको मैं गुड्स सेल करता हूँ ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे, उनको मैं क्या कहता हूँ भैया, डेटर, डेटर, डेटर। अब सबका तो नाम अलग अलग से लिख के सबके नाम का अलग अलग से अकाउंट्स तो बनाऊंगा नहीं, पूरी बुक भर जाएगी, तो क्या करूंगा फिर, एक डेटर के नाम का एक अलग से अकाउंट्स बनाऊंगा, उसी के अंदर जितने लोगों को मैंने गुड्स सेल किया है क्रेडिट बेसिस पे सबको उधरी पे डाल दूंगा, सबका नाम वहीं पे लिख दूंगा। तो सबको रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, डेटर्स अकाउंट। उसी तरीके से क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है कि सप्लायर, जिनसे मैंने गुड्स बाय किया है, परचेस किया ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो सप्लायर तो मेरे बहुत सारे लोग हैं, अब हर एक का तो, हर एक सप्लायर का तो मैं अलग अलग से अकाउंट्स बनाऊंगा नहीं, तो वो सबको मैंने क्या नाम दे दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो एक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा और उसके अंदर वो सब जितने भी सप्लायर हैं उनका सब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लूंगा। तो वो सारे सप्लायर को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा अकाउंट्स है, क्रेडिटर्स अकाउंट्स, राइट। सो डेटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट, लोन्स अकाउंट और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है बोलो, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपका ये पूरा पर्सनल अकाउंट वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। सो पर्सनल अकाउंट के अंडर हमने क्या सीखा, नेचुरल अकाउंट, जिसके अंदर सारे ह्यूमन बींग्स आ गए, मी एंड यू, हम और आप।
आर्टिफिशियल में क्या आ गया, सारे बिजनेस के नेम, नेम ऑफ द कंपनीज, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, ओके, वो सब आर्टिफिशियल में आ गए, जो कि मैनमेड थे, जिनके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजन ऑफ लॉज लग रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि ऐसे अकाउंट्स जो किसी को रिप्रेजेंट करते हो, ग्रुप ऑफ द पर्सन या फिर इंडिविजुअल पर्सन को वो रिप्रेजेंट करते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो इस तरीके से हम लोग पर्सनल अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब आइए हम देखते हैं अपना सेकंड वाला अकाउंट, नंबर टू अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नंबर टू रियल अकाउंट्स। अभी व्हाट इज रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस के अंदर, धंधे के अंदर, कंपनी के अंदर, अपने फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंसर्न के अंदर, हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जितनी भी चीजें यूज करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, लंबे समय के लिए। तो जैसा कि आपको पता है बिजनेस के अंदर लंबे समय तक हम क्या यूज करते हैं, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। हम धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर लंबे समय तक किन किन चीजों को यूज करते हैं, अपने एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो वो सारे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो बिजनेस में यूज होते हैं वो सब किसके अंडर में आ जाएंगे, अंडर द रियल अकाउंट्स। सो ध्यान देना माय डियर, बिजनेस के सारे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, धन संपत्ति, सब के सब क्या है बोलो, रियल अकाउंट्स हैं। अब ये रियल अकाउंट्स आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, उसका भी सब डिविजन हो रहा है, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। अभी व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स, व्हाट इज टेंजिबल प्रॉपर्टी, वो सारे एसेट्स, वो सारी प्रॉपर्टीज जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ले लिया मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्रीमाइसेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट्स, लूज टूल्स अकाउंट्स, इक्विपमेंट्स अकाउंट्स, स्टॉक अकाउंट्स, ये सब के सब क्या हो जाएंगे बोलो, टेंजिबल एसेट्स, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। सो याद रखना, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक और बहुत सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब के सब किसके अंडर में आ जाएंगे, अंडर द टेंजिबल एसेट्स। और ये सब के सब किसके एग्जाम्पल होंगे, रियल अकाउंट्स के। तो ये टेंजिबल इनटेंजिबल ये सिर्फ डिवीजन पर्पस के लिए है, बस बस आप मेन कॉन्सेप्ट याद रखो कि रियल अकाउंट्स मतलब कि धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर यूज होने वाले सारे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, उनको ही हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट्स। उसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स भी क्या होते हैं बोलो, रियल अकाउंट्स होते हैं। इनटेंजिबल मतलब वो सारे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फेल्ट नहीं कर सकते, फिर भी वो हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। उनके एग्जांपल क्या होंगे, गुडविल अकाउंट्स, कॉपीराइट्स अकाउंट, पैटर्न्स अकाउंट्स, ट्रेडमार्क अकाउंट्स, ओके। तो ये सब के सब क्या बोलो, इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट, पैटर्न्स अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट्स। अभी हर एक की मीनिंग क्या होती है वो मैंने अपना बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर में कवर किया है, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब को प्लस करके क्या बन जाता है, रियल अकाउंट्स। सो ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज रियल अकाउंट्स, मशीनरी, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, स्टॉक, ओके, गुडविल, पैटर्न्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इक्विपमेंट्स, लोस टोल्स, कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, एवरीथिंग इज रियल अकाउंट्स। चलो, सो खत्म रियल अकाउंट्स। अब आ जाइए तीसरा, थर्ड वाला अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कि बिजनेस के वो सारे खर्चे, वो सारे नुकसान, वो सारी कमाई और वो सारे फायदे, प्रॉफिट, वो सब के सब किसके अंडर में आ जाएंगे, अंडर द नॉमिनल अकाउंट्स।
सो नॉमिनल अकाउंट्स मतलब कि वो सारे अकाउंट्स जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, इनकम एंड गेन्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। अब बेटे एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? हमने कहीं तो क्या किया, पे किया, पेड किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। लॉसेस मतलब नुकसान हो गया, एसेट्स को बेचा, घाटा हो गया, नुकसान हो गया। खरीदा था इतने पैसे में, बेच दिया कम पैसे में, तो अपने को नुकसान हो गया उस एसेट्स को बेचने पर। सो भाई एक्सपेंस हुआ एंड लॉस हुआ, तो वो सब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स। एंड व्हाट इज इनकम? सपोज मेरी क्लासेस से, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे बच्चे फीस दे रहे हैं, तो मुझे फीस मिल रही है, तो मेरे लिए फीस क्या होगी? इनकम होगी। अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, मुझे पैसा आ रहा है, सेल करने पे मुझे पैसा आ रहा है, तो सेल क्या है बोलो? मेरा इनकम हो गया। सेल से मुझे इनकम आ रही है, सेल्स करने से मुझे इनकम आ रही है, तो मेरा वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट, एसेट्स बेचा, कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेचा, तो मुझे एसेट्स को सेल करने पर फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर हुआ? सो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट्स। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा, देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, मैं बोल देता हूँ, आप सुन लो, ठीक है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या आएगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, यहाँ पे देखो, जो कुछ भी हमें सोचना है ना, वो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या क्या होगा? बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, कुछ वर्कर लोग काम कर रहे तो उनको वेजेस दिया, तो सैलरी पेड, वेजेस पेड, एक्सपेंस हुआ। बिजनेस का, ऑफिसेस का, फैक्ट्रीज का, कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, एक्सपेंसेस हुआ। मैंने एक अकाउंटेंट को रखा है जो कि मेरा वो सब अकाउंट्स मेंटेन करता है, हिसाब किताब करता है, कैलकुलेशन करता है, उसको मैंने फीस दिया, ऑडिट फीस, मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ। मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसका मैंने प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट किया, पब्लिसिटी किया, एडवर्टीजमेंट किया, मेरा खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस है। टेलीफोन बिल, इंटरनेट चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब के सब मेरे खर्चे हैं, मेरे एक्सपेंसेस हैं, इनको मैं क्या बोलूंगा? नॉमिनल अकाउंट्स। सो बिजनेस के वो सारे खर्चे जो डे टू डे बेसिस पे होते हैं, जो कभी कभी आगे पीछे होते रहते हैं, मेरे पॉकेट से पैसा गया मतलब एक्सपेंसेस, दैट्स इट। लॉसेस मतलब ये लॉस तो हमेशा होता नहीं, कभी कभार हुआ, कोई एक्टिविटी किया उसमें मुझे नुकसान हो गया, तो वो मेरा लॉस हो गया। उसी तरीके से इनकम में क्या होगा? कुछ भी रिसीव्ड करोगे, एनीथिंग इज रिसीव्ड इज योर इनकम माय डियर। डिस्काउंट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, बिजनेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, सबको रेंट पे चढ़ा दिया, भाड़ा आ रहा है, रेंट आ रहा है, आपको इनकम मिल रहा है, कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिला, यहाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स खरीद के रखे हो, वहाँ से तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो एनीथिंग इज रिसीव्ड इज योर इनकम, इनकम, इनकम। कोई एसेट्स को सेल किया, वहां से कुछ फायदा मिल गया, प्रॉफिट गेन्स, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी बोलो? नॉमिनल अकाउंट्स। सो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो बिजनेस में इनकर्ड की जाती हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। उसी तरीके से बिजनेस जो भी इनकम एंड गेन्स जनरेट करता है, गेन करता है, अर्न करता है, वो सब भी क्या होंगे बोलो? नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। तो इस तरीके से मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट तरीके से सिखा दिया।